देखिए, मैं एक टीवी का फॉल्ट दिखाता हूँ। ये है सोनी की एलसीडी टीवी। इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए। पहले इंडिकेशन जला और फिर यहाँ पर स्क्रीन पर देखें, हम इसके लाइट को बंद कर देते हैं। इस फॉल्ट को ध्यान से देखें, अब इसको बहुत ध्यान से आप फॉल्ट को देखें, फिर मैं दिखाता हूँ कि ये प्रॉब्लम कहाँ से है और इसे कैसे आप इसके फॉल्ट को सॉल्व करने से पहले भी देख कर भी जान सकते हैं। देखिए, ये अभी ये बंद भी हो जाएगा स्क्रीन। अभी एक सेकेंड दिखाते हैं। देखिए, अभी स्क्रीन ये अपने आप बंद हो जाएगा। अब बैकलाइट जलती रहेगी। देखिए, बंद हुआ, बैकलाइट जल रही है। फिर से हम इसे बंद करते हैं स्विच को और देखें, यानी बैकलाइट जल रही है और ये इंडिकेशन जल रहा है। ठीक है, अब इसके फॉल्ट को देखें। अभी ये हॉरिजेंटल लाइनें आ रही हैं, इसमें वर्टिकल नहीं आ रही है। ठीक है, अब ये फॉल्ट को हम यहाँ पर दिखाएं। पहले कफ को ध्यान से देखें। ये है हमारा इस साइड में रखा हुआ, ये लेफ्ट साइड का, सॉरी राइट साइड का, और ये है लेफ्ट साइड का। तो राइट साइड में हम यहाँ पर दिखाएं, आपको ध्यान से देखें। ये जैसे कोई ट्रैक बिल्ड हो गया हो, जैसे बिल्डिंग हो गई हो, तो यहाँ पर ध्यान से देखें। ये थोड़ा सा, अभी जो ट्रैक, ये लाइनें इधर गई हैं, यहाँ ऐसे होते हुए, और ये गेट साइड में। अब यहाँ पे आउट साइड में कोई भी गेट कफ नहीं लगे हैं, इंटरनल है। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम इसके यहाँ गेट एरिया में नहीं है। यहाँ पे ये बीच रास्ते में ही ट्रैक यहाँ पे आपस में जुड़ गए हैं। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, आज हम इसको सिर्फ आपको देखने का जो मेथड होता है, पहले फॉल्ट को समझने जानने का, वहाँ पर आपको ये दिखाए हैं। इसलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया। ठीक है, यहाँ पर देखें, ये है इसकी सी के बी लाइन जो कि है राइट साइड। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं, ये है सी के बी लाइन जो कि है लेफ्ट साइड। ये सिंगल कफ है, ये है इसका नंबर पैनल, और यहाँ पर ये देखें, ये है 12 वोल्ट की सप्लाई वाला पैनल। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये ग्लास एरिया के अंदर की शॉर्टिंग है, यानी ऊपर से यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हटेंगी। ये इसके ग्लास एरिया के अंदर की ये मैटर है। तो ये शॉर्टिंग यहाँ पर देखेंगे तो ये ऐसे सीधे आपको यहाँ से ऐसे दिखेगा, ये जो इधर से आ रहा है, ये ऐसे यहाँ पे। अब इसमें से हमको कुछ लाइनें को जो है ट्रैक को कट करने होंगे यहाँ से।